तसे नसते म्हणून जग फसते, म्हणून का इसलिए पूरा पूरा जग जो है ना वह जाल में आ रहा है। एक व्यापारी है, यदि सरलता के साथ व्यापार करे महाराज फिर दुकानदार थोड़ी कहलाएगा, वो व्यापारी थोड़ी कहला, ये तो चतुराई उसकी। देखो नीति न्याय के अनुरूप व्यापार करो, यही वस्तुतः चतुराई है उस व्यापारी की, किंतु अनीति पूर्वक यदि वित्त का उपार्जन करता है तो वह उसकी चतुराई नहीं मानी जाती बल्कि उसकी कुटिलाई मानी जाती है, और कुटिलता के साथ वित्त का जो अर्जन करता है उसके माध्यम से वह न अपना हित कर पाता है न दूसरे का हित कर पाता है। इसलिए अपने को वक्ता को समाप्त करने के लिए आचार्य बार बार कह रहे हैं, 9:30 हो जाए, पर्याप्त समय है आपके लिए। अभी एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। बकवृत्तिम समालंब्य वंचकैर वंचितम जगत, बकवृत्तिम समालंब्य वंचकैर वंचितम जगत, जगत कौटिल्य कुशलै पाप प्रसन्ने कष्मलाशयै, ऐसा कहा आचार्यों ने। क्या कहा देखो, कौटिल्य कुशले, कुटिलता में कुशलता, अब सोचो सरलता में कुशलता आनी चाहिए, कुटिलता में भी वह कुशलता प्राप्त कर रहा है, कुटिलता में भी वह पारंगत है, चतुर है वो। वो कैसा करता है, जगत को ही वह ठगा रहा है, उसके द्वारा जगत ठगता चला जाता है। क्यों, बकवृत्तिम समालंब्य, ऐसा कहा। बगुला है, बगुला है, सफेद छक है वह, शुक्ल लेशा का प्रतीक है, लेकिन ये ध्यान रखो उसका शरीर तो सफेद है, शुक्ल है, वर्ण तो शरीर का शुक्ल है किंतु भीतर सफेद नहीं किंतु ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, बाहर तो व्हाइट है और भीतर तो वो काला है। इससे तो कौवा ही भला है, क्योंकि भीतर और बाहर दोनों तरह से वो काला है। उस काले कौवे से तो हम बच सकते हैं किंतु बगुले से बचना बहुत कठिन हो जाता है। बकवृत्तिम समालंब्य, उस बगुले की वृत्ति का आलम्बन लेकर के संसारी प्राणी इस जगत को ही ठग रहा है, छल रहा है। छलाव जिसके अंदर है, जिसके अंदर छल पल रहा है, उसको पकड़ना, उसको समझना अत्यंत कठिन है। शेर को हम समझ सकते हैं, शेर से बहुत जल्दी बचा जा सकता है, किंतु गाय का चेहरा लगा करके जो सामने आया है उससे बचना बहुत कठिन है। साक्षात यदि शेर है बहुत जल्दी बच सकते हैं, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर है, किंतु चेहरा तो गाय का लगा करके आया है, किंतु भीतर यदि क्रूरता है, कुटिलता है, तो उससे हम अनंत काल से बच नहीं पा रहे, इसलिए उसकी जाल में आ रहे हैं। इसलिए क्रोध समाप्त करना कठिन है, किंतु क्रोध से भी मान को समाप्त करना अत्यंत कठिन है, और उस मान से भी माया को समाप्त करना अत्यंत कठिन है, और माया तभी समाप्त होगी जब लोभ उसके अंदर नहीं रहेगा। लोभ उसके अंदर जब तक रहेगा तब तक उसके अंदर कुटिलता वक्रता बनी रहती है, इसलिए श्रमण के पास लोभ किंचित मात्र भी नहीं रहता, इसलिए मायाचार के लिए स्थान संभव ही नहीं, इसलिए श्रमण के पास मायाचारी संभव नहीं है। यदि श्रमण होकर के भी कुटिलता को लेकर के आचरण करता है तो कभी भी वह आजव धर्म का उपासक शुद्ध नहीं होता, ये स्पष्ट कुंद स्वामी कह रहे हैं। इसलिए कौटिल्य कुशलै और पाप प्रसन्न, पाप कार्यों में हमेशा जो प्रसन्नता का अनुभव करता है उससे बढ़कर के और कौन कुटिल हो सकता है।
पाप कार्यों से ऊपर उठने के लिए कहा जा रहा है, किंतु संसारी प्राणी पाप कार्यों में भी प्रसन्नता का अनुभव करता है। सिद्धांत से बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि रौद्र ध्यान माना जाता है, हिंसा में आनंद लेता है। ये रौद्र ध्यान ही ध्यान रखो सभी लोग, हिंसा में आनंद मानता है और झूठ बोलने में आनंद का अनुभव करता है, चोरी करने में आनंद का अनुभव करता है और परिग्रह संचय करने में जो आनंद का अनुभव करता है वह स्वरूप आनंद का अनुभव उसको संभव नहीं। हिंसानंदी मृषानंद चौर्यानंद परिग्रहानंद तो स्वरूपानंद कहां से आएगा? स्वरूप का आनंद लेना चाहते हो तो अपनी कुटिलता को समाप्त करने की आवश्यकता है। समझ में बात आ रही क्या? क्या ऊपर से तो नहीं जा रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? कोई शब्दों में कहीं जटिलता तो नहीं? हो सकते हैं शब्द जटिल हो सकते हैं, लेकिन कुटिल नहीं होना चाहिए। शब्दों में सरलता होनी चाहिए और शब्द सरल उसी के मुख से निकलते हैं जिसने हमेशा आगम का आधार लेकर के ही बोलता है। आगम को साइड में रख करके अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए जो बोलने का प्रयास करता है वह कभी भी सत्य का उद्घाटन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कुटिलता पल रही है और कुटिलता इसलिए पल रही है क्योंकि आसक्ति का अभाव नहीं हुआ। इसलिए आसक्ति का अभाव करने के लिए आगे कल आ रहा है शोच धर्म किसके द्वारा होगा देखेंगे, किंतु आज तो आर्यव धर्म है, हमें सरल बनने का प्रयास करना चाहिए। बहुत कठिन है मन, बहुत ही कठिन। मैं ये कहना चाहता हूँ और सिद्धांत से कहना चाहता हूँ, चारित्र का पालन तो किया जा रहा है किंतु सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो वह चारित्र के मार्मक है। जो दिख रहा है चारित्र, क्या महाराज प्रतिमा के समान बैठे हैं, धन्य हैं, धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और भीतर आप धन्य कहने से यदि भीतर यदि मान लो उसको अच्छा लग रहा है तो वह क्या है? वो बहुत कठिन होता है प्रतिमावत अपने आप को बिठालना। शरीर से तो बिठाया जा सकता है किंतु मेरों के समान शरीर को बिठाया जा सकता है, किंतु जिसका मन मेरों के समान यदि स्थिर है तो निश्चित रूप सरल आएगी। कहां जाए हमारा मन मेरों के समान स्थिर नहीं, किंतु वह निरंतर चलाए मान है और मात्र शरीर को स्थिर रख करके हम ध्यान कर रहे हैं। ये बगुला का ध्यान माना जाता है। सरोवर में बगुला एक टांग पर खड़ा है किंतु उसका लक्ष्य क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसका अभिप्राय उद्देश्य क्या है, वो पागल थोड़ी है एक टांग पर खड़े रहना है। वह श्रम कर रहा है क्योंकि केवल पिन ड्रॉप साइलेंस, हाँ एक पिन भी उसमें गिर जाए सरोवर में तो वह तरंगे उठती हैं और तरंग नहीं उठे इस प्रकार वह खड़ा है। अपने श्वास के द्वारा भी दीपक बुझ सकता है, गुरुदेव कहते हैं अपने श्वास के द्वारा भी दीपक बुझ सकता है, इसलिए इस प्रकार श्वास ले कि वह दीपक अपने श्वास के द्वारा श्वासोश्वास के द्वारा बुझे नहीं। उसी प्रकार अपने को ऐसी साधना करनी चाहिए कि हमारा वह सम्यक दर्शन रूपी दीपक मोह रूपी हवा के द्वारा बुझ न सके। बुझता है, बार बार बुझता है, यहाँ तक कहते हैं क्षयोपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन अंतर अंतर मूर्त में मिट सकता है, उसकी जगन स्थिति अंतर मूर्त प्रमाण है। अब सोचो विचार करो ऐसे ऐसा कौन सा प्रसंग आता होगा जो अंतर मूर्त में ही वह सम्यक दर्शन रूपी दीपक बुझ जाए? इसलिए बुझता है क्योंकि वह कषाय अभी क्षय को प्राप्त नहीं हुई है
अंतर भीतर विद्यमान है, वह बारूद भीतर विद्यमान है और अग्नि की चिनगारी थोड़ी सी चिनगारी मिल जाए उस बारूद के लिए पर्याप्त है, विस्फोट हुए बिना रहेगा नहीं। तो क्षय संवेदन तो किसी के पास है नहीं कि वह संवेदन हमेशा बरकरार बना रहे, संभव नहीं है। क्षोभ संवेदन भी 66 सागर तक बना रह सकता है, ऐसी बात नहीं, किंतु कभी भी छूट सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इसलिए अपने आप को सम्यक दर्शन रूपी दीपक को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं सावधानी के साथ आचरण करो, अपने दीपक को सुरक्षित रखो और अपने श्वास के द्वारा भी वह सम्यक दर्शन रूपी दीपक न बुझे, इस प्रकार सावधानी की आवश्यकता है। जब अपने श्वास के द्वारा भी जब दीपक बुझ सकता है तो ऐसी स्थिति में हवा के द्वारा दीपक न बुझे तो ये आश्चर्य है। पर्वत की चोटी पर दीपक रखा है और तूफान चारों ओर से तूफान चल रहा है, इसके उपरांत भी यदि वह दीपक नहीं बुझता है, नहीं बुझने में आश्चर्य है, बुझने में नहीं, नहीं बुझने में आश्चर्य है। उसी प्रकार चारों ओर विषय कषाय का वातावरण फैला हुआ है, चारों ओर पंचेंद्र के विषय ढेर सारे हैं, उसी के बीच में बैठ करके अपने आप के चरित्र को और अपने आप के सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना, ये बिना साधना के संभव नहीं। वो साधना करने वाले निरंतर साधना करने में रत जो श्रमण है वो भी जब फेल हो सकते हैं तो अन्य व्यक्तियों की क्या कथा कहें। सम्य दर्शन को सुरक्षित रखिएगा, यदि रखना चाहो तो, क्योंकि बहुत काल व्यतीत हो गया, यह बकवृत्ति ठीक नहीं। विश्व को ठगना ठीक नहीं, जो विश्व को धोखा दे रहा है वह अपने आत्म तत्व को ही धोखा दे रहा है, अपने आत्मा की वंचना हो रही है। विश्व को क्या तुम ठगोगे, क्योंकि विश्व को ठगा नहीं जा सकता, वह अपने उपादान के द्वारा उसका कर्म का फल मिल रहा है। किंतु अज्ञान दशा में जो हमने कर्म किए हैं, अब नहीं करना भूल करके भी ये ध्यान रखो, हमारा हऊ तो बोल देते हैं, इसी प्रकार नरकों में जाकर के हऊ हऊ बोलता है और अपने पश्चाताप आदि कर लेता, यहाँ आने के उपरांत वही घोड़ा और वही मैदान वही हवा यहाँ पर चलती है और मोह की हवा के कारण अपने सम्य दर्शन रूपी दीपक को सुरक्षित नहीं रख पाता। हमने पढ़ा था कि आदमी के अंदर जो छलकपट है, छलकपट की वृत्ति वह पशु से भी अधिक है, ऐसा सुनने में आया, पढ़ने में आया। आदमी के अंदर छलकपट की वृत्ति पशु से भी अधिक है। एकमात्र अपवाद है तिरंज गति में सप्तम पृथ्वी जाने वाला एक मच्छ माना जाता, रागो मच्छ अथवा तंदुल मच्छ, उसको छोड़ करके अन्य जितने भी क्रूर से क्रूर वृत्ति को रखने वाले पशु क्यों न हो, व्याघ्र आदि वो भी पंचम पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकते, उनका गमन संभव नहीं। सप्तम पृथ्वी उतरने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही आसक्ति को लेकर के वह चलता है, उसके अंदर जो पुतलाई होती है उसका हम बखान नहीं कर सकते। इसलिए वक्ता आदमी के अंदर छलकपट के भाव पशु से भी अधिक है, ऐसा सुनने में आया है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, इस प्रसंग को ध्यान से सुने कि मात्र सुनाने के लिए नहीं अपने जीवन में उतारने के लिए इसको सुनना चाहिए। एक व्यक्ति है किसान है, वह जंगल गया है लकड़ी आदि काटने के लिए और जंगल में एक शेर दिखाई देता है। सुन रहे हैं आप,
घबराओ नहीं शेर से, क्योंकि शेर से भी अपन ज्यादा शूरवीर है ना, सप्तम पृथ्वी जाते हैं अपन। फिर शेर से क्यों डरते हो? शेर से क्यों डरते? जो सप्तम पृथ्वी जाने वाला शेर से डरे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डर तो लगता है महाराज। और वह किसान पहुंचा है जंगल में और दूर देखने में आता है बहुत विशाल काय वह शेर आ रहा, मस्ती से आ रहा झूमता हुआ। और उसको देख करके वह किसान एकदम भयभीत हो जाता है, उसको इधर उधर कुछ भी देखने भी नहीं आता। अब जल्दी से वो आ जाए तो हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। जल्दी से छलांग लेकर के वहां वृक्ष पर जाकर के बैठने को होता है। अरे ये क्या हो गया? वृक्ष के ऊपर भी एक रीछ बैठा था, नीचे शेर है और ऊपर रीछ बैठा हुआ है। अब मुश्किल है, फिर भी अपने आप को वह संभाल रहा है। छोटा मोटा होता तो हार्ट फेल हो जाता, वहीं पर अवसान हो जाता है, किंतु वह ऊपर जाते ही रीछ बैठा हुआ देखने में आता है, घबरा जाता है। किंतु एक दो सेकंड के बाद उसकी भीति कम हो गई उस किसान की। क्यों? क्योंकि रीछ भी विपत्ति में पड़ा हुआ है, क्योंकि नीचे शेर है, नीचे शेर आकर के बैठा है, इसलिए वह स्वयं विपत्ति में है, मुसीबत में है, इसलिए वह रीछ भी घबराया हुआ है। तब वह आदमी सोचता है, अरे ये भी विपत्ति में है तो ठीक है, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, वह बैठ जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।